वीर्य को व्रज भी कहा जाता है। इस व्रज का प्रयोग करके आप अपने शरीर को कठोर और ताकतवर बना सकते हैं। देखो, जब हमारे शरीर में वीर्य की वृद्धि होती है और उसे बाहर नहीं निकाला जाता, तो वह ओज में बदलकर बल, बुद्धि, तेज और पराक्रम की वृद्धि करता है। अब यदि आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना सीमन बचाना पड़ेगा, और सीमन तब बचेगा जब आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे और यह खुद भी बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे प्रयोग करने के बाद 30 दिन के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको अपने शरीर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी मर्जी के बिना एक बूंद सीमन भी बाहर नहीं निकलेगा, और यह संभव कैसे होगा, इसे ध्यान से सुने। सबसे पहले यह जान ले कि आप इसे खुद बाहर निकालने से कैसे बचेंगे। सामान्य सी बात है, मौके का फायदा ना उठाकर मौके पर चौका लगाने के चक्कर में आप कब छक्के बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के समय में बिना मेडिसिन के किसी से कुछ होता ही नहीं। जब कुछ और करने का समय होता है तब वे कुछ और करते हैं, और जब कुछ करने का समय आता है तब उनसे कुछ भी नहीं होता। घर पर कोई नहीं है, या मैं अकेला हूँ या वो अकेली है, इसी को मौका कहते हैं। हर चीज का एक समय होता है, गलत समय पर गलत चीज करोगे भुगतना तो पड़ेगा ही। कुछ लोगों से ना चाहते हुए भी हो जाता है, और कुछ का अपने आप ही निकल जाता है। इसलिए सबसे पहले तो वीडियोस देखना छोड़ दो, केवल जरूरी वीडियोस ही देखे, और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से व्यस्त रखे। खास कर की मानसिक रूप से लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि कुछ और सोचने का समय ही ना मिले। लोगों का सीमन रात के समय अपने आप निकल जाता है, इसके पीछे का कारण है वीर्य कच्चा बनना। पका हुआ वीर्य अपने आप कभी बाहर नहीं निकलता। वीर्य अधपका तब बनता है जब पीछे की कोई धातु अधपकी रह जाती है। जैसे अगर रस कच्चा रह गया तो रक्त सहित आगे बनने वाली धातुएं भी कच्ची रह जाएगी। धातुओं को पकाने का सबसे आसान तरीका है उपवास। जब हम उपवास रखते हैं तो हमें तेज भूख लगती है। भोजन ना मिलने के कारण जठराग्नि हमारे दोषों को पचाने लगती है, जिस कारण एक के बाद एक सभी धातुएं पुष्ट हो जाती है और वीर्य बाहर नहीं निकलता, जिस कारण हमारा शरीर बलवान बन जाता है। धातुओं को पुष्ट करने का दूसरा तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम से रक्त शुद्ध होता है, जिस कारण बाकी की धातुएं भी सही से बनती है और वीर्य की उधर्वगति हो जाती है। वीर्य को ऊपर चढ़ाने के लिए आपको व्यायाम प्राणायाम करना है। शरीर को ताकतवर बनाने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है राममूर्ति व्यायाम। इस व्यायाम से वीर्य बल बढ़ता है। वीर्य बल बढ़ने से प्राण शक्ति बढ़ती है, और प्राण शक्ति बढ़ने से वीर्य बढ़ता है। यही है ताकतवर बनने का अचूक सिस्टम। उधर्वरेता बनने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है उधर्वरेता प्राणायाम, शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए। इसके साथ डीप ब्रीदिंग प्राणायाम जरूर करें और सात्विक भोजन ले। प्राणायाम और व्यायाम करने से भोजन भी सही से पचता है और शरीर का अंग बन जाता है। यह तभी तक करना है जब तक आप 4 महीने तक वीर्य को ना बचा ले। इसके बाद आप उपवास रखना छोड़ दे, क्योंकि इसके बाद तो केवल प्राणायाम ही काफी है। इससे आपका शरीर एक समय बाद उस लेवल पर चला जाएगा कि यदि आपका नाइट फॉल होने वाला भी होगा तो उससे पहले ही आपकी आंखें खुल जाएगी और आप बच जाएंगे। आप जितनी अधिक प्राण शक्ति बढ़ाएंगे आपकी ताकत और वीर्य उतना ही बढ़ता जाएगा। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए यह वीडियो देखो, वरना यह वीडियो देखो। हर हर महादेव।